एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और एक बार फिर से मैं आई हूं एक ऐतिहासिक और धार्मिक वीडियो लेके। तो वीडियो का टाइटल है रिमिक्स कथा वीर रस गुरु गोविंद सिंह जी बाबा बंता सिंह जी। तो उनके 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 मुख से सुनते हैं हम लोग उनकी ये कथा, रिमिक्स कथा। तो चलिए फिर, इससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए आए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं प्यारी सी कथा। कलगीधर पातशाह आखन लगे भी कोमलता विच, फकीरी विच, निम्रता विच बहुते खुबे हुए लोग ने ते कई बार बहुती निम्रता गुलाम बना दी है, क्योंकि शनिवर बंदे बारे संगत ते समझदी है बड़ा निम्रतावान है। लीडर समझ जितने बुझदे लै झुकदा जा फिरदा साढ़े अगे आम ही एक उदाहरण है कि आप एक दूजे निम्रता सहित फतेह बुलाइए। तुसी मेरा माण करोगे रास का भी निम्रता है मैं तुहाडा करांगा। यही हाथ लीडर अगे जुड़ता ते पैणा मैं डरदा ही बाबा हथरे जुड़ी जाता जी। हकूमत हाथ जोड़न बुझदली समझ लिम्रता तख्त बुझदली समझ लेंगे, तख्त अगे डांग चुकनी पैंदी है। हाथ जोड़े उत्थे काम आते हैं जिथे बिरती उदा दी है। संत नूं हाथ जोड़ो ते तुहानू गल नाल लावेगा, प्रेम नूं प्रेम है ते डांग नूं डांग ही विखाउणी पैंदी है। कलगीधर पातशाह ने समझाया भी देखो जे बहुती निम्रता विच रहे ते गुलामी नहीं टुटनी, ते जे बहुता साहस वल तुर पए ते निर्दयी हो जाओगे। पक्ष दोवें चाहिए, निरा कंडा भी ना बन भी हर एक नूं चुभे, ते निरा फुल भी ना बन भी हर कोई तैनू तोड़ के ही लै जावे। याद रख ऐसा खालसा पंथ साजांगा, ऐसे सिंह बनावांगा मैं जिन्हां विच सिख वाली निम्रता ते शेर वाला सिंह वाला साहस होवेगा। सिख एक प्रेम रस की मूरत है ते सिंह वीर रस की मूरत है। कुल कायनात का मालिक गुरु ग्रंथ साहिब प्रेम रस की मूर्ति है ते दसम बाणी वीर रस की खेड है। हरिमंदर साहिब साढ़े अधूरे नहीं प्रेम रस की मूरत ने, पर फिर भी अकाल तख्त बनाया है जो वीर रस की मूरत है। गुरु नानक साहब अधूरे नहीं सन डांग चुकवा सकते सन, पर तुर दरगाहों ड्यूटी प्रेम रस वंडन की लगी सी, छेवें जामे जाके डांग फड़ी। गुरु ग्रंथ साहब पूरे ने वीर रस भी दे सकते ने, पर तुर दरगाहों ड्यूटी प्रेम रस वंडन की है। डांग का कम दसम बाणी के हिस्से आया होया है। ये कल कोई तर्क ना करे भी अच्छा जे वीर रस दसम बाणी दिंदी सी कि गुरु ग्रंथ साहब अधूरे ने, उतों वीर रस ना मिलिया, तो फिर तर्क इतने भी आ जाना भी की गुरु नानक साहब अधूरे से जाके छेवें ते दसवें जाने च डांग फड़ी है, उदों ही खंडे की पौल दे के शेर बना देंदे। ओ भाई जी, जेड़े कारीगर ने नीयां रखनिया ने उहदा कम नीयां रखण दा, जिन्हें लेंटर पाउणा उह लेंटर ही पावेगा। ये ड्यूटियां लगियां ने दरगाह तो, अकाल पुरख निरंकारी ने आप सेवा लाई हुई है भी पहले पंज जामिया प्रेम रस विच वरतना है, छेवां वीर रस विच वरतेगा, फिर तीन जामे फकीरी विच वरतणगे ते दसवां जामा फिर कुल कायनात दा मालक गुरु गोबिंद सिंह ऐसा वीर रस विच आवेगा जिन्हों फिर चौदह जंगा दे दरमियान मुगलिया सल्तनत दे तूफान भी मिटा नहीं सकनगे। इत्थे ड्यूटियां लग गईआं। देखो गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, उन्होंने कह दिता है भी हुण मैं साहस विच भी परपक्ष करांगा, सिख नूं सिंह बनावांगा ते प्रेम रस विच ते ही अगे ही सरसार ने। देखो जे प्रेम नहीं ते बंदा औरंगजेब वर्गा निर्दयी पापी बनता, उहदी तलवार हर एक दा सिर लाउण लई पुछेगी, ते जे निरा ही प्रेम है वीर रस नहीं ते फिर हिंदू सनातन मत बनू सदियां दे गुलामी दे संगल गली पह जाणगे। गऊ हुण शेर अगे की कर सकदी, हुण आम ही उदाहरण है गऊआं दे गली असीं संगल पा के किले ना बनियां, कदे शेर भी बन के देखिया जे। गऊ वर्गी निम्रता गुलाम बना दिंदी है। महाराज कहिंदे ने मैं ना कली निम्रता चाहुंदा हाँ ते ना कला साहस, मैं शरीर रूपी
इस मुजस्मे विच गऊ वाली निम्रता ते शेर वाला साहस पावांगा। तलवार चुकेगा धर्म की रखिया दे लई किसे दे गल नहीं लाउंदा फिरेगा, निर्दयी नहीं होवेगा। धर्म की रखिया लई अपनी हिफाजत लई सैल्फ डिफेंस लई इंसानियत की रखिया लई तलवार चुकेगा। पर निर्दयी बंदा जदों तलवार चुकदा है कातल बनता है, ते जदों संत सिपाही बन के तलवार चुकदा है ते रक्षक बनता है, रक्षा करने वाला बनता है। ये फर्क है। कलगीधर ने 14 जंगा भारत वर्ष इंसानियत की रक्षा लई लड़िया ते औरंगजेब ने यह जंगा इंसानियत का घाण करने लई करवाइया। इत्थे फर्क है। दीन दुनिया के मालिक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कहते दोवें काम ही सिख लो, नमहो कलह करता नमो शांत रूपे। रब ही प्रेम रस बख्शदा है, रब ही वीर रस बख्शदा है। कहू देवियं देवतं दैत रूपं, किते वो देवत्यां दे रूप विच ठंडा होया बैठा है, किते दैत बन के गर्मी विखा रहा है। ये दोवें पखो दे कोलों, किते बिजली बन के तहस नहस कर रहा है, किते बूंदा बन के ठंडक पहुंचा रहा है बरखा करके। उदा सुभा है। महाराज कहिंदे इक्के डाली दे नाल कंडे ते फुल पैदा करांगा, इक्के शरीर रूपी मुजस्मे दे विच प्रेम रस ते वीर रस पैदा करांगा मैं। और प्रेम रस जिथे मौजूद है उथे खंडे दी पौल बख्श के, ते खंडे दी पौल दे विच तीन बाणियां दसम दियां पढ़िया वीर रस चाहीदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दियां दो तां पढ़िया भी प्रेम रस अगे भी बड़ा है, छड़ना नहीं है। नाले गुरु ग्रंथ साहिब दे सिरमौर ने साडे, इच कोई दो रह नहीं है। दसम बाणी का असी सत्कार करते हाँ क्योंकि साडे बापू की बाणी है, पर उही कलगीधर पातशाह की बाणी चो ही ये बचन निकलते ने सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। ये उदे ही बोल ने। गुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने खंडे की पौल बख्शनी है। भारत वर्ष के खिलाफ मुगलिया सल्तनत जो देश की संस्कृति इंसानियत कदमा तले रौंद रहा, उन्हां दा मुकाबला करन लई ऐलान कर दिता भी हुण इह गऊआं नहीं, हुण इन्हां गऊआं नूं शेर बना दिता है। ये गिदड़ां दा झुंड इकट्ठा होके आके शेर दी महाराज हमला ना करो ते की खैर है दसो, गऊआं दा वग इकट्ठा होके आके शेर दी महाराज जाण दिओ ते शेर हटदा नहीं। बड़ा प्रेम नाल समझा के वेख लिया है शेर सुभा नहीं बदलता, हुण मैं गऊआं नूं शेर बनावांगा, हुण मैं गऊआं नूं सिंह बनावांगा। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਮਲਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਵੇ, ਫਕੀਰੀ ਧਾਰੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁਟਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰਮ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਬਦਲ ਉਹੀ ਨੇ, ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਬਰਸਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਿਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਔਰੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਬੁਝਦਲੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਕਾ ਹਕੀਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ, ਲੜੇਂਗੇ ਉਸੇ ਲੜਨੇ ਕੀ ਜਿਸੇ ਉਮੰਗ ਹੋ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ, ਲੜੇਂਗੇ ਉਸੇ
लड़ने की जिसे उमंग हो, ठोकर से फेंक देंगे जो रास्ते में संग हो, हर उसका काट लेंगे कहा जिसने तंग हो। कहते लड़ना नहीं चाहूंगा, ठीक है आनंदपुर क्या छड़ दो, मैं छड़न लई तैयार हाँ, पर मेरे मेरे वचन ध्यान नाल सुन लियो। मेरा एक सुभा भी है कि गुरु नानक दे घर का एक सुभा है, जिदा की मंग लैके आओ उदा की मंग पूरी कर दिंदा है। जे ते आओगे प्रेम दे नाल चुक के झोलियां भर देवांगा, ते जे ये उमंग होवेगी भी कलगी दरदे नाल जंग लड़ना है, ठोकर से फेंक देंगे जो रस्ते में संग हो, सर उसका काट लेंगे कहा जिसने तंग हो। एड़ा लड़न आवेगा फिर अपनी माई दे वजूद चो, जे ते दो सिर लैके जमया ते सामने आवे जे को याद ला के रख देवांगा। ये है संत दे सिपाही की उपाधि, यही बचन बाबा जरनैल सिंह करते होंगे जी भी, जे ते धड़ते दो सिर है ते कलगी धरते लाल सामने आयो, जे एक है ते फिर सामभ के रखो, ये लभेगा नहीं जदों सामने आ गए। ये है संत दे सिपाही का गुण, प्रेम नू प्रेम है ते डांग नू डांग होके टकरदा है। कलगी धर ने यह पंथ चलाना सी, अगे प्रेम की खेड चलती सी ज्यादा, और इस ताकत का आगाज छेवें पातशाह ने शुरू कर दिता सी मीरी पीरी का, गुरु गोबिंद सिंह ने बस बुलंदियां ते पहुंचाया है। कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत ही अच्छी रिमिक्स कथा थी। वीर रस, वीर रस मतलब एक ऐसा रस जो इंसान के अंदर जोश भर दे, जो इंसान को अपने काम को करने में किसी का डर ना रखे, एक ऐसे वीर रस की बात करी है इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने। और उसमें उन्होंने साफ बताया है कि आप लोग जो हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जैसे जो गाय होती हैं, गाय बिल्कुल सीधी होती है, इनको कोई भी शिकार बहुत आसानी से कर लेता है, तो वैसे मत बनिए आप। एक सिंह जो एक शेर होता है ना, शेर के अंदर के जो भी गुण होते हैं वो मैं ऐसे सिंहों के अंदर डालूंगा, और उनकी जो तलवार है वो किसी से भी नहीं डरेगी। ऐसा नहीं है कि वो बेकसूरों पर उठेगी, वो ऐसे इंसान के खिलाफ उठेगी जो आप अपने खुद की रक्षा कर सकें, आप मजरूमों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनके ऊपर वो तलवार उठा सकें। और बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस कथा में, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ठीक इसी तरीके से, कोई और अच्छी सी वीडियो लेके। तब तक आपके लिए बाय।